अब जिक्र करें कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब की कफायत शुआरी का। पंजाब हुकूमत ने महकमों के गैर जरूरी अखराजात पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर खजाना पंजाब का कहना है कि महकमा सेहत और PDMA को 15 अरब रुपए से जायद के फंड्स मुहैया किए गए। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवां वक्त की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। महकमों के लिए जिमनी ग्रांट्स के इजरा और नई भर्तियों पर पाबंदी लगा दी गई है। महकमा सेहत में डॉक्टर्स और दीगर अमले की भर्तियों की इजाज़त होगी। वजीर खजाना ने इजलास के दौरान बताया कि कोरोना वबा के बायस गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। आवाम की माली मुश्किलात को मद्देनजर रखकर 18 अरब रुपए के टैक्स का रिलीफ दिया गया है। इजलास में सूबे की मुआशी सूरत हाल, तरक्याती प्रोग्राम और मुस्तकबिल के लाहे अमल का जायजा लिया जाएगा। तरक्याती काम डिवेलपमेंट अथॉरिटीज के वसायल से कराने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया है। चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्यात, सेक्रेटरी खजाना और स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के सरबरा समेत मुतलका हुकाम ने इजलास में शिरकत की।